नमस्कार, चलिए जान लेते हैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की अब तक से लेके रात तक की सभी बड़ी महत्वपूर्ण और आपके एकदम काम की खबरों को बताएंगे सारी खबरें। पर उससे पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अखिलेश ने योगी सरकार को दे दिया है चकमा। यूपी पुलिस आवाक, सपा विधायकों का पैदल मार्च हो ही गया। जी हाँ, बता दें कि इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार को चकमा दे दिया है। मानसून सत्र के पहले दिन बता दें कि 19 सितंबर को पुलिस ने उन्हें पैदल मार्च कर पार्टी दफ्तर से विधानसभा तक पहुंचने नहीं दिया था, लेकिन बता दें कि सत्र के आखिरी दिन यानी आज सदन से वॉकआउट कर अखिलेश सपा विधायकों के कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च करते हुए सड़क पर उतरे तो यूपी पुलिस आवक रह गई। साफ दिखा कि पुलिस को ऐसा कुछ होने की जरा भी आशंका नहीं थी, इसलिए विधानसभा से सपा कार्यालय तक उसकी कहीं कोई तैयारी नहीं थी, लिहाजा बिन किसी व्यवधान के सपा विधायकों का पैदल मार्च हो गया। मायावती बोली, खुली जगह में नमाज तो योगी सरकार को सहन नहीं हो रहा, भागवत को राष्ट्रपिता कहने से क्या बदलेगा। जी हां, आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अभी आरएसएस और बीजेपी समेत योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर बीजेपी और योगी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए कहा है कि खुली जगह में नमाज तो योगी सरकार को सहन नहीं हो रहा, भागवत को राष्ट्रपिता कहने से क्या बदलेगा। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत द्वारा दिल्ली स्थित मस्जिद मदरसे में जाकर उलेमाओं से मुलाकात करनी और फिर उनसे अपने आप को राष्ट्रपिता व राष्ट्र ऋषि कहलवाने के बाद क्या बीजेपी व इनकी सरकारों का मुस्लिम समाज व उनके मस्जिद मदरसों के प्रति नकारात्मक रुख व बर्ताव में बदलाव आएगा। उत्तर प्रदेश में दिवाली और छठ पर मिल सकता है कंफर्म टिकट। यूपी बिहार के लिए 10 जोड़ी फेस्टिवल ट्रेनें चलेंगी। जी हां, बता दें कि भारतीय रेलवे ने त्योहारों पर होने वाले रश को क्लियर कराने के लिए इस 10 जोड़ी ट्रेनों को हरी झंडी दी है। बता दें कि अभी मिली जानकारी के अनुसार दिवाली व छठ पूजा के मद्देनजर बिहार व पूर्वांचल के लिए फेस्टिवल ट्रेनें चलाई जा रही है। वही 17 अक्टूबर से स्पेशल ट्रेनों के संचालन की शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल करेंगे अयोध्या में बने लता चौक का लोकार्पण, सीएम योगी भी होंगे शामिल। सीएम बता दें कि सुर साम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर के स्मृति में अयोध्या में निर्माणाधीन चौक में उद्यान का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में वर्चुअल रीति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं मिली जानकारी के अनुसार पीएमओ से हरी झंडी मिलने के बाद अब अयोध्या पहुंचे हैं वही प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने लता स्मृति चौक का निरीक्षण किया है। उत्तर प्रदेश में दंगे हिंसा में नुकसान के मामलों का संज्ञान लेगा अधिकरण। यूपी लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पारित। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली संशोधन विधेयक 2022 आज विधानसभा में पारित कर दिया गया है। बता दें कि इसमें दंगा और सार्वजनिक हिंसा करने के मामलों में वसूली के लिए गठित अधिकरण को मामलों का स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार भी दिया गया है। इसी के साथ बता दें कि पॉक्सो एक्ट में अग्रिम जमानत का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अस्पताल में नमाज पढ़ने का वीडियो हुआ वायरल, घटना की जांच के लिए टीम गठित। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक अस्पताल में नमाज पढ़ने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय का है। इस अस्पताल के परिसर में सरयाम एक महिला के नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही इस पर विवाद खड़ा हो गया है। अब अस्पताल में नमाज पढ़ रही महिला का विरोध वहां मौजूद अन्य मरीजों के तीमारदारों ने भी किया है। उन्हीं में से किसी ने वीडियो रिकॉर्ड करके नमाज पढ़ रही महिला की ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है। 25 सितंबर तक यूपी में मौसम विभाग का अलर्ट, मानसून जाने से पहले फिर भारी बारिश। जी हां, बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कई जिलों में अगले दो दिन भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 25 सितंबर तक यूपी के लिए आईएमडी ने अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि अभी मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जाते हुए मानसून में यूपी को भारी बारिश देखने को मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में पहले पश्चिमी और उसके बाद मध्य और पूर्वी भागों में भारी बारिश होगी। वहीं उत्तर प्रदेश का अलीगढ़, बिजनौर, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, रामपुर, बदायूं, पीलीभीत, हमीरपुर, उरई, आगरा, मथुरा, हाथरस, शाहजहांपुर, एटा और हरदोई में तेज हवाओं के साथ गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में 150 स्टेशनों पर नहीं बिके
घटिया ब्रेड पकौड़े पकौड़ी क्वालिटी टेस्ट में फेल हुए तो बंद होंगे। जी हाँ, बता दें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल में आने वाले 26 जिलों के 150 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों पर घटिया खाने पीने का सामान अब नहीं बिकेगा। खासकर पीला रंग डालकर तैयार किए जा रहे ब्रेड पकौड़े पकौड़ी पर रोक लगाई गई है। वहीं बता दें कि रेल प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि स्टेशनों पर खराब गुणवत्ता वाले खाद्य सामग्री को किसी भी कीमत पर नहीं बिकने दिया जाएगा। वहीं माना जा रहा है कि इससे महंगाई में ज्यादा मुनाफा कमाने वाले वेंडरों पर अंकुश लगेगा। इसके बाद आपको बता दें कि इस निर्देश पर अमल करने के लिए फूड इंस्पेक्टर भी सक्रिय हो गए हैं। वहीं सभी प्रमुख स्टेशनों पर खाने पीने की चीजों की सैंपलिंग की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 1,000 करोड़ से अधिक वाले अमीरों की तादाद बढ़ी। मुरली बाबू सबसे बड़े रईस हुरून रिच लिस्ट में पहली बार 25 उद्योगपति। जी हां, बता दें कि घड़ी समूह के मालिक मुरली बाबू इस बार भी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े रईस घोषित किए गए हैं। और उत्तर प्रदेश में 1,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति वाली हस्तियों की संख्या बढ़ गई है। इसके साथ ही बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय हुरून रिच लिस्ट में इस बार यूपी के 25 उद्योगपतियों को जगह मिली है। बता दें कि यह अब तक की सर्वाधिक संख्या है, वहीं पिछली सूची में यह 22 थी। हुरून की सूची में शामिल होने के लिए न्यूनतम 1,000 करोड़ रुपए की नेटवर्थ होना जरूरी है। गुड न्यूज, उत्तर प्रदेश में वन दरोगा बनने का मौका। 17 अक्टूबर से कर सकते हैं अप्लाई, जाने कितने पद, क्या है प्रक्रिया। जी हां, आपको बताने को उत्तर प्रदेश में वन विभाग में नौकरी की चाहत रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वन दरोगा के 701 पदों पर भर्ती के लिए 17 अक्टूबर से आवेदन लेगा। वही आवेदन की अंतिम तिथि 6 नवंबर और संशोधन की अंतिम तिथि 13 नवंबर है। बताने की आयोग के सचिव अमन सक्सेना के मुताबिक आवेदन ऑनलाइन HTTP या upssc.gov.in पर लिए जाएंगे। वही आवेदन के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 PET में शामिल होने वाले ही पात्र माने जाएंगे। मैंने पूरा किया नेहरू का काम, अर्बन नक्सल पर बरसते हुए बोले पीएम मोदी। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाए हैं कि अर्बन नक्सल और राजनीतिक समर्थन वाले विकास विरोधी तत्वों ने गुजरात में कई सालों तक नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के निर्माण को रोक कर रखा। वहीं पीएम मोदी ने कहा है कि पर्यावरण के नाम पर ऐसा किया गया। उन्होंने यह भी कहा है कि जिस काम की शुरुआत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, उसे उन्होंने पूरा किया। वहीं प्रधानमंत्री ने गुजरात में आयोजित पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए यह बात कही है। मुसलमानों को बड़े मिशन के तहत करीब ला रहा RSS सिख और ईसाई पर भी ध्यान। जी हां, बता दें कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की बीते दिनों हुई मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ बैठक और हाल के मस्जिद और मदरसे के दौरे के पीछे संघ की भावी रणनीति है। वहीं संघ केवल मुस्लिम को ही नहीं बल्कि ईसाई और सिख अल्पसंख्यकों को भी अपने करीब लाने में जुटा है। बताने की संघ का मानना है कि देश में सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्द के लिए हर समुदाय तक इस बात को पहुंचना बेहद ही जरूरी है कि हमारे पूर्वज एक थे, भले ही उनके पंथ और पूजा पद्धति अलग अलग हो। कांग्रेस ने भारत जोड़ो के लिए हाईवे पर लगाए झंडे, बोर्ड देखकर क्यों भड़का केरल हाई कोर्ट। जी हां, बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के लिए लगे बोर्ड और झंडों पर अदालत को आपत्ति है। वहीं बता दें कि केरल हाई कोर्ट ने सड़क सुरक्षा को लेकर कहा है कि इस पर पुलिस और अन्य अधिकारियों ने आंखें बंद कर रखी है। दरअसल अदालत में सड़कों पर अवैध बैनर और बोर्ड से जुड़े मामलों पर सुनवाई हो रही थी। इस दौरान बता दें कि एमिक्स क्यूरी की तरफ से यात्रा से जुड़ी बात कोर्ट के सामने रखी गई। महंगाई की एक और मार, मोदी सरकार बोली चावल के दामों में जारी रहेगी बढ़ोतरी। जी हां, बता दें कि घरेलू बाजार में चावल की कीमतों में वृद्धि का रूप दिखा रहा है और खरीफ सत्र के दौरान कम उत्पादन के पूर्वानुमान तथा गैर बासमती चावल के निर्यात में 11% की वृद्धि को देखते हुए कीमतों में बढ़ोतरी का रुख आगे भी जारी रह सकता है। बता दें कि खाद्य मंत्रालय ने एक तथ्य पत्रक जारी कर अभी अभी यह जानकारी दी है। वहीं बता दें कि इसमें मंत्रालय ने भारत की चावल निर्यात नीति में हाल में किए गए संशोधन के पीछे के विस्तृत कारणों को बताया है। वहीं मंत्रालय ने यह भी कहा है कि भारत के चावल निर्यात नियमों में हालिया बदलाव ने निर्यात के लिए उपलब्धता को कम किए बिना घरेलू कीमतों को काबू में रखने में मदद की है। ज्ञानवापी में शिवलिंग या फव्वारा, कार्बन डेटिंग से पता चलेगा। हिंदू पक्ष की अपील कोर्ट में मंजूर, जाने मामला। जी हां, बता दें कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन व अन्य विग्रहों के संरक्षण का मुकदमा सुनवाई योग्य करार दिए जाने के बाद अब इस मामले की सुनवाई
जिला जज की अदालत में जारी रहेगी। वहीं जिला जज डॉक्टर जय कृष्णा विश्वेश की अदालत में आज सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु जैन ने सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग की भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के एक्सपर्ट से कार्बन डेटिंग कराने का अनुरोध किया है। बता दें कि इस मामले में जिला जज ने 29 सितंबर की तारीख नियत करते हुए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी से आपत्ति दाखिल करने को कहा है। मेस के खाने पर फूट फूट कर रोने वाले सिपाही का तबादला, 636 किलोमीटर दूर फिरोजाबाद से गाजीपुर भेजा। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस लाइन के खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठाकर सुर्खियों में आए सिपाही मनोज कुमार का तबादला हो गया है। बताने को उन्हें उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद से करीब 636 किलोमीटर दूर गाजीपुर भेज दिया गया है। वहीं मनोज ने आपको बता दें कि पिछले महीने रो रो कर खराब खाने की शिकायत की थी, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था और बता दें कि तभी से उसके तबादले को लेकर कयास लगाए जा रहे थे जो अब कर दिए गए हैं। दोस्तों, यूपी मौसम जानकारी में आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी होती वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को जरूर दबा लें। धन्यवाद।